दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रोफेसर आनंद ज्ञानकोटे और आप देख रहे हैं ट्रेडिंग फ्यूचर का यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम मलाई इंडिकेटर के द्वारा बैंक निफ्टी में आगे क्या हो सकता है और निफ्टी में क्या हो सकता है इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। आपके सामने है बैंक निफ्टी का डेली चार्ट और मैं MT4 के सॉफ्टवेयर में हूँ। तो यहाँ पर देखिए, बैंक निफ्टी जो है इस एरिया में हमारा जो रेजिस्टेंस जोन है यहाँ पे पहुँचा है और इसी एरिया में MACD भी अभी थोड़ा बहुत डाउन की तरफ इशारा कर रहा है। तो अभी क्लियरली सेल सिग्नल नहीं आया है लेकिन फिर भी मार्केट अच्छा गिर चुका है, तो इसका जो अनुमान है हमें यहाँ पे 4 घंटे के चार्ट पे पहले ही मिल जाता है। तो मैं हमेशा कहता हूँ 4 घंटा, 1 घंटा और डेली को हमें अच्छे से फॉलो करना है, चेक करना है और हमें उसके ट्रेड के लिए रेडी रहना है। तो देखिए, 4 घंटे के अनुसार सेल सिग्नल यहीं पर आ गया है जहाँ से मार्केट ओपन हुआ है और वो उस दिन से लेकर इतना अभी लेवल जो है अभी करंट लेवल 53,390 के आसपास है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि इस एरिया से मार्केट गिरना चालू हुआ 53,972 के आसपास में, और यहाँ से भी और कितना गिर सकता है इसके बारे में अगर हम अंदाजा लगाएं तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला जो सपोर्ट आ रहा है 52,052, ठीक है। तो यही एक मार्केट का रिसेंट सपोर्ट है। अभी यहाँ पे कोई भी 4 घंटे के अनुसार कोई सपोर्ट मुझे नहीं दिख रहा, हालांकि ये वाली एक जो कैंडल है, एक बिग कैंडल, इसके अनुसार मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा सपोर्ट ले सकता है 52,967 के आसपास। 52,800 के आसपास आप थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा, अगर वो ब्रेक कर देगा तो वो मार्केट यहाँ तक उसको जाने से कोई रोक नहीं पाएगा, ठीक है। तो ये वाला एक लेवल इंपॉर्टेंट है और इसका डायरेक्शन अभी नीचे ही है, ये ध्यान में देखिए 4 घंटे का। तो 1 घंटे के अनुसार मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए 1 घंटे का भी चार्ट खुल रहा है। तो 1 घंटे के अनुसार अभी मार्केट जो है हमारा वो इस एरिया में आके रुका हुआ है, भले ही 1 घंटे के ऊपर बाय का सिग्नल दे दे और MACD जो है जब तक 0 लाइन क्रॉस करके ऊपर नहीं आएगा। ओके, MACD का 0 लाइन कहाँ पर है मैं आपको दिखाता हूँ, लेवल ऐड करके, ये देखिए यहाँ पर हम इसको ब्लैक कलर में लेवल ऐड करेंगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि इसका कहाँ पर है लेवल, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर 0 लेवल है, तो जब तक ये ऐसे क्रॉस नहीं होगा, ओके, यहाँ पर देखिए 0 के ऊपर क्रॉस करके बाय का सिग्नल नहीं देता, या पहले बाय का सिग्नल दे या पहले 0 को क्रॉस करे, ओके। तो हो सकता है इस एरिया में मार्केट और भी गिरने की संभावना है, तो आप थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा बाय करने के लिए। तो आप पुट साइड में आराम से रह सकते हैं, उसमें अच्छा प्रॉफिट आपको हो सकता है, ठीक है। तो यही ऐसे ही वीडियो सभी आपको देखने को मिलेंगे। तो मार्केट ऊपर आने की गुंजाइश नहीं है, बाय ऑन डिप्स ना करें बैंक निफ्टी में, ठीक है। तो मार्केट थोड़ा सा डाउन साइड में, जब तक MACD का 1 घंटे का नीचे में है तब तक मार्केट ऊपर नहीं आएगा, वो इधर ही उधर घूमता रहेगा। आपका जो भी एक्सपायरी होगा वो ऊपर नहीं जाएगा, 54 या 54,300 ऐसा नहीं जाएगा मार्केट, ओके। और अगर हम इसको वीकली चार्ट के अनुसार देखें, वीकली चार्ट के अनुसार अगर हम इसको देखने की कोशिश करें तो देखिए वीकली चार्ट के अनुसार ट्रेंड अप ही है, लेकिन ये रिट्रेसमेंट नीचे की तरफ झुकाव हो रहा है मार्केट का वीकली चार्ट के अनुसार। तो ये जो कैंडल है ये इसी एरिया में एक सपोर्ट है वीकली का पुराना, यहाँ पर देखिए 52,53,235 के आसपास, लेकिन कैंडल रेड बनी है और यहाँ पर इस कैंडल में अगर आप देखते हैं थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर बना है और कैंडल जैसे ही ओपन हुई वैसे ही बहुत ही बेरिश कैंडल है। तो अगला हफ्ता भी बैंक निफ्टी का नीचे की तरफ जाएगा ये रेड लाइन के आसपास में, और जो भी मैंने आपको 4 घंटे के अनुसार टारगेट बताया है उस टारगेट के अनुसार आपको लेवल फाइंड करने हैं, ये वाला लेवल 52,000 या 52,800 के आसपास एक पहला लेवल हमारा आता है, उसके बाद में ये वाला एक सपोर्ट है, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसमें अलर्ट रह के सावधानी से काम करना है, ठीक है। तो इसके अनुसार आपको मैंने अभी बताया है, आई होप आपको ये समझ में आया है। तो चलिए निफ्टी के ऊपर चलते हैं, ये निफ्टी है अभी फिलहाल 15 मिनट पे, तो इसको मैं 1 घंटे पे कर रहा हूँ। सबसे पहले ये देखिए मार्केट गिर रहा है, यहाँ से सेल सिग्नल आया और 2 दिन, ये भी आज का है मंगलवार का, ये है सोमवार का, तो सोमवार भी गिरा, मंगलवार भी गिरा, हो सकता है बुधवार में थोड़ा बहुत इधर ही रिकवरी आ जाए छोटी सी। 4 घंटे में देखते हैं क्या चल रहा है। तो 4 घंटे में देखिए सेल का सिग्नल है, ठीक है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि हमें जब भी बाइंग बनानी हो तो हम इस एरिया से इसको बनाएंगे या ग्रीन लाइन के आसपास कोई सपोर्ट के आसपास, तो वो हो सकता है एक अच्छा बेहतरीन ट्रेड साबित हो, ठीक है। तो 4 घंटे में बैंक निफ्टी निफ्टी जो है अभी 25,976 पे है, तो ये अभी नीचे की तरफ ही जाने की संभावना है,
एमएसडी भी ये देखिए यहाँ से डाउन 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 पुट हो रहा है। तो ये हो गया चार घंटे के अनुसार। डेली के अनुसार एक बार हम देखते हैं, ये देखिए डेली के अनुसार भी वो टॉप में, मैं हमेशा बोलता हूँ कि यहाँ पे हमें बाइंग बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। ओके, तो यहाँ से और भी मार्केट नीचे की ओर जाएगा कुछ समय के लिए। यहाँ पर एक इसका एक सपोर्ट है, ये हालांकि रेजिस्टेंस इक्वल टू सपोर्ट है। यहाँ पर भी एक सपोर्ट का एरिया है 25,400-25,500 के आसपास। तो अभी यहाँ से 25,976 पर हम है, यहाँ से 400-500 पॉइंट मार्केट और भी गिरने की संभावना है, तो उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है। ओके, तो ऐसा मेरा एनालिसिस कह रहा है, बाकी आपका डिसीजन है, मैं कोई यहाँ पे रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, बस मैं एक एनालिसिस और मेरा व्यू बता रहा हूँ। उसके बाद में नेक्स्ट सपोर्ट जो है 24,877, अगर ये टिक नहीं पाएगा, यहाँ पे मार्केट रुकेगा नहीं, तो हो सकता है वो डाउन की तरफ मूव हो जाए। चार घंटे में अभी अभी हमने इसको देखा है। ओके, एक घंटे में भी देखते हैं, एक घंटे में भी देखा यहाँ से बाय के इसमें रिकमेंडेशन में आ रहा है, लेकिन बाय नहीं करना है हमें जब तक कि जीरो के ऊपर प्लॉट नहीं हो जाता तक। ठीक है, वीकली के अनुसार भी देखते हैं एक बार। ये देखिए हमारे सिस्टम के अनुसार हम हमेशा कहते हैं मार्केट से अगर ये इस एरिया में रहता है तो हम इसको दूर रहने की सलाह देते हैं। ओके, तो बहुत ही ऊपर लेवल पर मार्केट है, गिरा तो बहुत तेजी से गिर सकता है, इसको बचाने वाला कोई नहीं होगा माई बाप। तो आई होप आपको ये एनालिसिस समझ में आया हुआ है। जैसे ही मैंने बैंक निफ्टी का बताया, निफ्टी का बताया, ऐसे ही आपको कुछ और स्टॉक का जानना है या और इंडेक्स का जानना है, तो आप यहाँ पे कमेंट करिए वीडियो में, तो मैं उसका एनालिसिस आपको यहाँ पे अगले वीडियो में दे दूंगा। चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना है आपको, ताकि आगे आने वाली एनालिसिस की वीडियो में आपको हेल्प मिल जाए। और इस सॉफ्टवेयर के बारे में अगर कुछ जानना है तो आप मुझे डायरेक्टली मेरे फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर आपको मिल जाएगा। तो वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करो, आपके लिए अच्छा वीडियो मैंने बनाया है। थैंक यू।